रेगिस्तान में पत्थर को फोड़कर बनाए गए घर से लेकर जमीन से 150 फीट ऊंचे पेड़ों पर बनाए गए घर तक। आज दोस्तों हम जानने वाले हैं दुनिया के ऐसे 10 घरों के बारे में जो बेहद अजीब जगहों पर बसे हुए हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 10, फ्लोटिंग कैसल इन यूक्रेन। ये असाधारण घर पहली झलक में ग्रेविटी को धोखा देते हुए जमीन पर खड़ा नजर आएगा। वास्तुकला की एक शानदार मिसाल ये महल असल में एक धान्य भंडार हुआ करता था, जहां अब कोई नहीं रहता। इसकी बनावट और जिस जगह ये खड़ा है वो जगह इसे खास बना देती है, और यही वजह है जो टूरिस्ट यहाँ खींचे चले आते हैं। नंबर 9, द एग हाउस। चाइना बीजिंग में रहने वाले कलाकार दाई हाइफी ने एक व्यक्ति के रहने लायक अंडे के आकार का घर बना लिया। कोर्टयार्ड की प्रॉपर्टी में बना ये घर बिल्कुल रोड के सामने खड़ा है। यहाँ जो बिजली आती है वो सोलर पैनल से तैयार की जाती है। इसके आधार पर इस घर में कंप्यूटर, लैंप और कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलाए जाते हैं। जिस जमीन पर ये घर खड़ा है वहीं के जमीन मालिक ने काफी बार दाई को यहाँ से निकल जाने की हिदायत दी, पर दाई के ना सुनने पर दाई को उसके हाल पर छोड़ दिया गया। नंबर 8, क्लिफ हेवन, उताह। रेगिस्तान किसी के लिए एक अच्छा आशियाना हो नहीं सकता। आसमान से बरसती धूप और पानी की किल्लत इसका सामना करते हुए शायद ही कोई रेगिस्तान में रहना चाहेगा। इन सब दिक्कतों के बावजूद उताह अमेरिका के रेगिस्तान में पत्थरों के बीच बना घर सबके लिए एक मिसाल बन चुका है। विज्ञान की मदद से एक बड़े पत्थर को फोड़कर किसी के सपनों में बसे घर जैसा बनाना आसान नहीं होता, पर इस घर का इंटीरियर देखकर आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या सच में ये घर किसी रेगिस्तान में बसा है। नंबर 7, हाउस ऑन द रॉक। इस घर में अगर मैं रहता तो शायद मेरा कोई दोस्त ही नहीं होता, क्योंकि इस घर के बाहर आंगन ही नहीं है। 1968 से लेकर ड्रीना नदी के बीचों बीच एक पत्थर पर खड़ा ये घर अकेलेपन की मिसाल है। इस घर में रहने वाले लोगों को क्या मिलता है ये तो पता नहीं, पर शांति जरूर मिलती होगी। नंबर 6, न्यू गिनी ट्री हाउसेस। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप अपना घर जमीन से 150 फीट ऊंचाई पर बनाना चाहोगे? सुनने में काफी दिलचस्प लगने वाली ये संकल्पना वास्तविकता में लाते हैं न्यू गिनी में रहने वाले कोरवाई नामक आदिवासी जमात। खतरनाक जानवरों से बचने के लिए ये जमात शतकों से ऐसी घर बनाती आ रही है। ये जमात 1974 तक बाकी दुनिया से अनजान थी। 1974 में इस जमाती की खोज की गई। नंबर 5, कुबरपेटी एक अंडरग्राउंड गांव। कुबरपेटी एक ऑस्ट्रेलियन गांव में जब आप कदम रखोगे तो आपको 2-4 दुकानों के अलावा यहां रेगिस्तान ही दिखाई देगा। असल में इस गांव में 3,500 से भी ज्यादा रहवासी रहते हैं, पर ज्यादातर रहवासी जमीन के नीचे घर बनाकर रहते हैं। यहां का तापमान कई बार 40 डिग्री सेल्सियस को छू लेता है। इससे बचने के लिए लोग जमीन के नीचे घर बना के रहते हैं। यहां आपको टीवी, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, बार्स सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जमीन के नीचे। नंबर 4, ब्रुकलिन क्लॉक टावर होम। अमेरिका न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन इस नगर में स्थित है डम्बो नामक ये घड़ी। ये घड़ी जिस घर पे स्थित है उसे कहते हैं ब्रुकलिन क्लॉक टावर होम। कुछ समय पहले ये घर बड़ी कीमत में बेचा गया और ये कीमत थी करीब 100 करोड़ भारतीय रुपए। सिर्फ शहर के मिलते लाजवाब व्यू के लिए ये 6,813 स्क्वायर फीट की जगह को इतनी बड़ी कीमत में बेचा जा सका। ये घर बेचा जाने से पहले इस घर का महीने का भाड़ा हुआ करता था 10 लाख भारतीय रुपए। शहर की हर जगह से दिखाई देती घड़ी के घर को खरीदना शायद किसी का जरूर सपना रहा होगा। नंबर 3, वर्ल्ड स्विट्जरलैंड। ये कल्पना करना बहुत मुश्किल है कि कुदरत की गोद में कोई डिश के आकार का अंडरग्राउंड मॉडर्न घर बसा हो सकता है। स्विट्जरलैंड के वर्ल्ड में बसा यह अंडरग्राउंड घर जब कोई आसमान से देखेगा तो उसे यही लगेगा कि ये कोई बड़ी डिश होगी, पर इस घर के निर्माताओं ने इसे जानबूझकर इस आकार में बनाया है। इसके अंदर प्रवेश करते ही पता चलता है कि ये घर किसी करोड़ों के महलों से कम नहीं। जीने के लिए जरूरी हर चीज इस विला में मौजूद है। इस घर की बनावट और जगह इसको खास बनाती है। नंबर 2, सोल्वे हट। जमीन से करीब 13,133 फीट ऊंचा ये घर एक इमरजेंसी हाउस है। खराब वातावरण में पर्वतारोहियों के लिए ये घर आसरा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 1915 में बनाए गए इस घर में 10 बेड्स और टेलीफोन मौजूद है। इस घर में लोग आराम कर सकते हैं। लाजवाब जगह पे स्थित इस घर पे आप पहाड़ों के बेहद खूबसूरत नजारों के लुत्फ उठा सकते हो। नंबर 1, जस्ट रूम इन ऑफ आइलैंड। ये एक लौता घर बसा है कनाडा और यूएस के बॉर्डर पे मौजूद सेंट लॉरेंस नदी में। 1864 आइलैंड से घिरा ये इलाका इस अकेले घर की वजह से मशहूर हो चला है। इस घर को जस्ट रूम इन ऑफ आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इस घर में तभी रहा जा सकता है जब नदी में पानी की मात्रा कम होती है, पर जिस वक्त ये पानी की मात्रा ज्यादा होती है तब यही पानी दीवारों तक पहुंच जाती है, जो रहने लायक नहीं रहता। ये घर उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है जो पड़ोसियों की झिकझिक नहीं चाहते। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना न भूलें, और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।